Assalamu alaikum 5 class, I am your English teacher. Today our topic is past indefinite interrogative. As you know that interrogative means swalia jumla. Definition: to form interrogative sentences we use did with question mark. Interrogative sentences में हम did को sentence के साथ में ले जाते हैं और last पे question mark लगाते हैं. उर्दू में पहचान जुमले के शुरू में क्या और आखिर में सवालिया निशान आता है. फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जुमले की बनावट. डिड सेंटेंस के साथ में डिड आ गया क्योंकि उर्दू में जुमले के शुरू में क्या आएगा. सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फाइव क्लास रिमेंबर दिस इन सिंपल पास्ट टेंस वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बट इन पास्ट इनडेफिनेट नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डिड. इसने छलांग लगाई. क्या इसने छलांग लगाई. डिड शी जम्प. क्या आया है इसलिए इंग्लिश के सेंटेंस के स्थान में आ जाएगा डिड. छलांग लगाई जम्प. डिड में हम ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर चुके हैं इसलिए जम्प की हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. क्या तुमने पौधों को पानी दिया. डिड यू वाटर द प्लांट्स. इसी तरह से इधर क्या आया है इसलिए डिड आ जाएगा और पौधों को पानी देना वाटर द प्लांट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी. क्या सूरज ग्रूब हो गया. डिड द सन सेट. क्या के लिए डिड और ग्रूब हो गया सेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या तुमने मैच जीता. क्या तुमने सबक याद किया. क्या मैंने सड़क पार की. क्या हमने साइकिल चलाई. क्या वो समुंदर पर गए. नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 45. इसने कागज़ क्यों फाड़ा. क्या उन्होंने हमारी दावत कबूल की. क्या तुमने अपना वादा पूरा किया. फाइव क्लास टुडे डायरी इज डू होमवर्क ऑन नोटबुक प्लस वर्कबुक पेज नंबर 45.